सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये है अजेक्स कंपनी का आर्गो 4300 कॉन्क्रीट मिक्सर। अब ये जो कॉन्क्रीट मिक्सर है BS4 यानी CV4 स्टेज के कंप्लाइंट इंजन के साथ में आता है। पर्टिकुलर इस ओनरशिप रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो मॉडल है आपके लिए किस प्रकार से जो है उपयोगी रहेगा, उसके अलावा कंफर्ट लेवल इसका किस प्रकार से है जो कि आपके ऑपरेटर को ज़्यादा जो है ज़्यादा उसमें थकान जो है महसूस नहीं होती है, डीजल एवरेज किस प्रकार की दी गई है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके जो ऑपरेटर हैं हम उनसे आपको मिलवाएंगे किस प्रकार से उनको अभी तक जो उनका सफ़र इसके साथ में रहा, जो इन्होंने इस्तेमाल किया उसमें किस प्रकार से रिव्यू उनका रहा कि क्या क्या कमियाँ इसमें कॉन्क्रीट मिक्सर के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। उसके अलावा पीछे की तरफ आप देख रहे हैं जो बकेट लगी हुई है इसमें कितना माल आप लोड कर सकते हैं, उसके अलावा जो मिक्सर इसमें दिया गया है उसमें कितना माल आप जो आसानी से लगा सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। चलिए ऑपरेटर से मिलकर आपको बताते हैं किस प्रकार की जानकारी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। अपना एक बार परिचय दो, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। हेमंत राजपूत, ऑपरेटर झांसी। ठीक है, कितना टाइम हो गया आपको ऑपरेट करते हुए? 2018 से यूज कर रहा हूँ। 2018 से कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो इससे पहले भी आपने कोई चलाई थी मशीन? हाँ, चलाया है। कौन कौन सा चलाया है? ये छोटा चलाया, 4MT चलाया, ये भी चलाया। ठीक है, तो अब ये पर्टिकुलर जो मॉडल है कितने टाइम से इस्तेमाल कर रहे हो? इसको चला रहा हूँ 3 महीने हो गया। 3 महीने से चला रहे हो, ठीक है। अभी आपने BS3 में जो आता है वो भी ऑपरेट किया होगा, तो वो कितने साल ऑपरेट किया? वो चलाया 2018 से चला रहा हूँ वही गाड़ी। अच्छा, सेम, ठीक है, 2018 से वही की गाड़ी चला रहा हूं। ठीक है, अब उसमें और उसमें आप सबसे पहले तो ये बताएं कि उसमें और इसमें क्या अंतर आपको लगा? इसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कैसे बताएं थोड़ा? इसमें चलाने में थकावट नहीं होती है बिल्कुल भी। अच्छा, मतलब कम्फर्ट लेवल ज्यादा है इसमें? अच्छा है। ठीक है, और अगर इसमें जैसे डीजल एवरेज की बात करी जाए तो कितना डीजल इसमें घंटे के हिसाब से ले लेता है? एक घंटे के हिसाब से ऐसा ले लो कि 120 लीटर का टैंक है और 36 घंटे गाड़ी चला सकते हैं आप। कंटिन्यू चला सकते हैं? मैंने, हाँ। चला सकते हो, ठीक है। अगर कंटिन्यू जैसे कि आप बता रहे हो 36 घंटे आपने चलाया है तो उसमें थकान वगैरह कुछ महसूस हुई? थकावट बिल्कुल नहीं होती है, बड़ा गाड़ी है, अच्छा गाड़ी है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जैसे कोई कमी ऐसी लगी हो आपको जो नॉर्मल जैसे होती है गाड़ियों के अंदर जो कमी लगती है कि ये ठीक होना चाहिए था वो ठीक होना चाहिए था, कुछ ऐसा लगा मशीन के अंदर? इसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक ख्वाहिश है, इसमें अगर एसी होता तो बहुत मस्त रहता। अच्छा, एसी केबिन के अंदर भी होना चाहिए था? हाँ, एसी चाहिए था केबिन में। ठीक है, अच्छा अब इसके बकेट की बात करी जाए तो जैसे बकेट दी गई है कितने साइज के अकॉर्डिंग बकेट दी गई है? इसमें कॉन्क्रीट है ना, 15 क्विंटल आता है। 15 क्विंटल आता है, ठीक है। और जैसे जो रोलर पीछे की तरफ दिया गया है इसमें कितना यहाँ पे आ जाता है कॉन्क्रीट? पूरा माल बन के आता है, सीमेंट, पानी, कॉन्क्रीट, दस टन आ जाता है। 10 टन आ जाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे पानी की मात्रा किस प्रकार से आप उपयोग करते हैं, जैसे 50% पानी हो गया या फिर 10% हो, कितना मतलब उसको पता कैसे लगता है? 1000 लीटर पानी लेता हूँ फुल डैम को। ठीक है, अब उसमें जैसे गिट्टी वगैरह मिक्स करनी है, सीमेंट के कट्टे मिक्स करने हैं तो वो उसकी क्वांटिटी कितनी रहती है? 7 क्विंटल 50 kg सीमेंट, ठीक है, 40 क्विंटल कॉन्क्रीट, ठीक है, बाकी का 10। ठीक है, तो अब जैसे टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो कितने टाइम के अंदर ये मिक्स करके बाहर की तरफ इसको माल को फेंक देता है? ये लोड होने में लगता है 6 मिनट, अनलोड करने में वो टाइट हो या गोल माल हो उससे मिलता है माल। अच्छा, तो नॉर्मल जैसे एवरेज की टाइम की बात करें तो कितने मिनट के अंदर बाहर निकाल देता है? बाहर निकालने को 10 मिनट लग जाएगा, गोल माल डालेंगे तो 10 मिनट में खाली हो जाएगा पूरा गाड़ी। ठीक है, लोड करने में 10 मिनट, अनलोड करने में 10 मिनट। अच्छा, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर मिक्सर है इसमें 4-व्हील ड्राइव 2-व्हील ड्राइव दोनों ही ऑप्शन के साथ में इसको आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो 4-व्हील ड्राइव की जरूरत कहाँ पे पड़ती है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जहाँ कम जगह रहती है वहाँ पे पड़ती है। ठीक है, मतलब कम जगह में ज़्यादा माल हो तो निकल नहीं पाता 2-व्हील में, तो उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब अगर जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कोई अलग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग उसको ये मशीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये गाड़ी लेना चाहिए, 4300 मस्त गाड़ी है, अच्छा, हर ऑपरेटर खुश है इस गाड़ी से। अच्छा, डीजल एवरेज में भी काफी अच्छी चीज़ अच्छा है, ठीक है, हर ऑपरेटर की ख्वाहिश है 4300 की। अच्छा, ठीक है, तो मतलब कॉन्क्रीट मिक्सर में अगर कोई मशीन है तो ये इससे बेस्ट कोई नहीं है? इससे बेस्ट कोई नहीं है। अभी ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, अगर एक कॉन्क्रीट यानी अगर मिक्सर के अकॉर्डिंग आप लेना चाहते हैं तो ये जैसा कि ऑपरेटर ने बताया कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसका जो आउटपुट है अभी तक उनको देखने को मिला, चाहे वो कंफर्ट लेवल की बात हो या फिर डीजल एवरेज की बात हो, दोनों ही चीज़ में काफ़ी बेस्ट ये गाड़ी उनको लगी है। अगर आप भी इसका प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट ये हो सकती है। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरे रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।